वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 99 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ कुल मिलाकर अब दर्दियों का आंक 14,000 को पार होने के साथ 14,009 पर पहुंच चुका है। तो वहीं पिछले दो दिनों से मृत्यु आंक जीरो को दर्शाते हुए 209 पर ही स्थिर बना है। वडोदरा शहर में तेजी से बढ़ रहे और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बेकाबू बन चुके वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच आज भी 99 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ अब कुल मिलाकर दर्दियों का आंक 14,000 को पार होने के साथ 14,009 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 3,760 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 99 पॉजिटिव दर्ज हुए है। तो वहीं लगातार दो दिनों से मृत्यु आंक कॉर्पोरेशन द्वारा जीरो दर्शाया जा रहा है, जिसके साथ मृत्यु आंक 209 पर स्थिर बना है। आज 99 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, कुल मिलाकर अभी तक 12,203 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से वारसिया, सुभानपुरा, संवाद, गोकुल नगर, दिवालीपुरा, मकरपुरा, कपुराई, छानी, गोत्री, नवायड, नवीधरती, सियाबाग, किशनवाड़ी, जुबेलीबाग, यमुना मिल, तांदलजा, गोरवा आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जबकि वडोदरा के ग्राम्य अरणोली, बाजवा, पादरा, दशरथ, बिल, डभोई, करजन, सावली, वागोड़िया आदि गांव से भी कोरोना पॉजिटिव केस वडोदरा शहर में दर्ज होने का पता चला है।